लोहे का एक बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है? फ्रेंड्स, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात तो पता होना जरूरी चाहिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब उसके द्वारा हटाए गए पानी के ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े की प्लेट की बना दी जाए तो उसका आकार बड़ा हो जाता है और वह पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फायदा उठा सकता है। लोहे के जहाज का आयतन उसके भार से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता है। यह विस्थापित जल अपने आयतन के तुल्य बल जहाज पर लगता है जिससे जहाज पानी में तैरता है, जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है। उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है जिससे वह डूब जाता है।